नमस्कार रांची, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सब का रेडियो। मैं सौरभ नीलेश और हम सब आज सुनेंगे करो योग रहो निरोग में एक ऐसा अभ्यास सत्र जो कि आजकल के जनरेशन में, या कहें कि वैसे व्यक्ति जो ऑफिस का काम करते हैं या ऑफिस में बहुत लंबे समय तक अपना कीमती वक्त बिताते हैं, उनको कौन सा योग करना चाहिए, या वह व्यक्ति ऐसे कौन से योग कर सकते हैं जो कि ऑफिस में काम करने के दौरान बिना किसी के नज़र में आए हुए आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऐसे कौन से योग अभ्यास हैं जो कि हम ऑफिस में काम करने के दौरान कर सकते हैं। तो ऑफिस में नॉर्मली जब आप काम करते हैं तो एक चेयर है, सामने एक डेस्क है, चेयर पर आप बैठ के काम करते हैं। तो लंबे समय तक चेयर पर बैठ के काम करने से आपके रीढ़ की हड्डी में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो हम अभी कुछ ऐसे योगाभ्यास देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, जो कि आपको इन समस्याओं से उबारने में मदद करेगा। हाँ, लेकिन यह ज़रूर ध्यान रखें कि इन अभ्यास को करते समय आपका बॉस आपके अगल बगल ना हो, नहीं तो नौकरी जाने की पूर्ण गारंटी रहेगी। इसीलिए यह ज़रूर देख लीजिएगा कि बॉस अगल बगल ना हो। तो यदि आप चेयर पर बैठ के लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको कर सकते हैं ईजली चेयर पर बैठे बैठे ही। उनमें कुछ लेग स्ट्रेचिंग के अभ्यास हैं, यानी कि अगर आपका डेस्क जो है उसके नीचे स्पेस है पैर रखने का, तो कुछ ना करें अपने चेयर को थोड़ा सा पीछे कर लें और दोनों पैरों को ज़मीन से उठा लीजिए, और सिर्फ क्या करना है, ब्रीद इन, दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करना, ब्रीद आउट, दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ लेना है। इसको 5 से 10 बार करेंगे, जितनी बार चाहे आप कर सकते हैं दिन में, इसको 3 बार 4 बार ऑफिस आवर्स के दौरान। तो इनसे, इस अभ्यास से क्या होगा कि आपके घुटनों में जो परेशानी रहेगी लंबे समय तक बैठने के चलते, या फिर आपके पैर में जो सूजन आ जाता होगा लंबे समय तक बैठने के चलते, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा आप कुर्सी पर बैठे बैठे कटी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। कटी चक्रासन का अभ्यास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभ्यास है। इस अभ्यास में आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेस फ्री किया जाता है। लंबे समय तक बैठने के कारण या गलत पोस्चर में बैठने के कारण आपके रीढ़ की हड्डी में जो समस्या आ जाती, तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है रीढ़ की हड्डी में, वो इससे कम हो जाए। तो कटी चक्रासन का अभ्यास कुर्सी पर बैठ के करना बहुत ही सरल है। इस अभ्यास के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कुर्सी के, अगर आपके कुर्सी के दोनों तरफ हैंडल्स हैं हाथ रखने के लिए, तो दोनों हैंडल्स को अच्छे से ग्रिप करके पकड़ लें। उसके बाद दोनों हाथों से दाहिनी ओर यानी राइट साइड के हैंडल को पकड़िए और कमर से राइट साइड की ओर ट्विस्ट करना शुरू करेंगे, वो भी श्वास छोड़ते हुए। तो एक बार कमर से राइट साइड की ओर ट्विस्ट करेंगे, एक बार कमर से लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपके सोच में, मन में सोच आ गया होगा कि सर मेरे चेयर में तो हैंडल नहीं है, अब क्या किया जाए। तो अगर आपके चेयर में हैंडल नहीं है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके चेयर का जो बेस है जिस पे आप बैठे हुए हैं, उस बेस को पकड़ लीजिए और सेम चीज करना है, श्वास छोड़ते हुए कमर से दाहिनी ओर घूमना है, फिर श्वास लेते वापस सेंटर में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते कमर से बाई ओर। यह अभ्यास सिटिंग कटी चक्रासन का अभ्यास है। इसके अलावा आप चेयर पे बैठे बैठे भी ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन का अभ्यास ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। आपकी रीढ़ की हड्डी में ब्लड फ्लो को वापस स्थापित करेगा और साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी में बैठे बैठे से जो स्ट्रेस आ जाता है उसको कम करेगा। इसके अलावा आप नेक रोटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, गर्दन को आगे पीछे घुमाने का, दाएँ बाएँ टर्न करने का, उसके अलावा कंधे के दोनों बगल घुमाने का और रोटेट करने का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके सर्वाइकल एरिया में जो तनाव हो जाता है, अगर आप झुक के काम कर रहे हैं, गर्दन झुका के अगर आप टाइप करने का काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे या लिखने का काम कर रहे हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइकल इफेक्ट से बचाएगा, किसी भी तरह आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होने देगा। इसके अलावा आप बैठे बैठे भी मारझारी का अभ्यास कर सकते हैं। मारझारी का अभ्यास में कुछ नहीं करना है, श्वास छोड़ते हुए कंधे को ढीला छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाना है, फिर श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर देना है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। इसके अलावा आप बैठे बैठे मंडूक आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। मंडूक आसन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा अभ्यास है।
ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। लंबे समय तक बैठे रहने से क्या होता है कि आपको पेट में गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप मंडूकासन करते हैं ऑफिस आवर्स के दौरान तो इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मंडूकासन करते समय अपना सर आप सामने टेबल पे ना दे मारिएगा, थोड़ा सा टेबल से दूर डिस्टेंस बना लीजिएगा, कम से कम 2 कदमों का डिस्टेंस ज़रूर ले लीजिएगा। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके नाभि के दोनों बगल लगा देना है, यानी राइट हैंड नाभि के राइट साइड में, लेफ्ट हैंड नाभि के लेफ्ट साइड में, और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है चेयर पे बैठे बैठे ही, फिर श्वास लेते हुए वापस सीधा हो जाना है। इसका अभ्यास आप 5 से 6 बार कर सकते हैं दिन में। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो रहेगा शरीर का वो तंदुरुस्त रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्राइटिस की समस्या नहीं होगी काम करने के दौरान। इसके अलावा एक मेडिटेशन का अभ्यास भी है जो कि ऑफिस में ईजिली बैठे हुए किया जा सकता है। 5 मिनट का ये मेडिटेशन है, आप लंच ब्रेक के दौरान या 5 मिनट का अगर आप ब्रेक लेते हैं उस समय आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। इसका नाम है अंतर्मौना। अंतर्मौना का आप अभ्यास करें, आपका कंसंट्रेशन काम के प्रति बढ़ेगा। अगर आप कंसंट्रेट होकर काम करेंगे तो यकीनन आपका वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और वो आपके काम में फ़ायदा देगा। तो पता चला कल को आपके साथ आपके बॉस भी बैठ के योग कर रहे हैं। ये था हमारा कुछ योग का टिप्स जो आप दैनिक डे टू डे लाइफ में ऑफिस में काम करते हुए चेयर पर बैठे हुए बैठ के ही कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का सत्र सुनने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ सौरभ निलेश और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।